हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। क्लास 10 साइंस पार्ट 7 चैप्टर 2 मलकसार एवं लवण। ये प्रश्न किताब में से मैं इस पार्ट को करवा रहा हूँ। जैसे भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को मैं डाल देता हूँ, ऐसे प्रश्न आपने डाल लेने। जलीय मिलन में अमल या क्षार का क्या होता है? यदि अमल या क्षार को हम जल में डाल दें तो क्या होगा? कड़वा या खट्टा, दोनों की बात है। उसको जल में डाल दें तो क्या होगा? इस प्रश्न यदि अमल को हम जल में डाल दें, ये डाल रखे हैं यहां पर, ये अमल हाइड्रोक्लोरिक अमल है, इसको हमने वाटर पानी में डाल दिया तो हाइड्रोनियम बनेगा। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ये बनता है H3O+ धनात्मक, ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा और एक ऋणात्मक क्लोरीन का बनेगा। ये दो आयन बनेंगे जब हम अमल को पानी में डालते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। जब हम पानी के अंदर अमल को डालते हैं तो एक आयन पैदा होता है H+। जब अमल को जल में डालते हैं तो H+ आयन पैदा होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए, ये मैंने अमल डाला था जल में तो H+ आयन पैदा हुआ, उत्पन्न हुए। ये क्रिया कर जाएंगे जल के साथ। हाइड्रोजन का एक और हाइड्रोजन के दो, ये हो जाएगा हाइड्रोजन के हरी ओ का ओ। तो ये आयन इस प्रकार बढ़ता है पानी के साथ, इस प्रकार क्रिया करता है हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रो आयन। जब आप जल के अंदर अमल को डालोगे तो हाइड्रोजन धनात्मक आयन उत्पन्न होंगे। इब हाइड्रोजन धनात्मक पानी के अणु के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम बनाएंगे, तो ये हाइड्रोनियम ऐसे बने, और जो क्लोरीन है वो ऋणात्मक के रूप में आयन उत्पन्न करते हैं। इब अगला प्रश्न है, क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील अक्षारक को सार कहते हैं। एक ही लाइन का प्रश्न है, जल में जो घुस जाते हैं अक्षारक, उसी को अक्षार कहते हैं। अब है 13वां प्रश्न, है धात्विक ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है? धातु ऑक्साइडों का स्वभाव क्या है? जैसे धातु ऑक्साइडों की बात करता हूं, यहां धातु ऑक्साइड C+ में O2, ये धातु है, ये ऑक्सीजन, ये बन गया CO। ये धातु ऑक्साइड बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया, क्योंकि धातु है कार्बन, ये धातु ऑक्साइड बन गया, धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। इसकी प्रकृति पूछी है कि धात्विक ऑक्साइड क्या है, खट्टे है या कड़वे है, अम्लीय है या क्षार की है, तो इसकी प्रकृति याद हो सके। तो पहले धात्विक ऑक्साइड की बतानी है, उसके बाद धातु ऑक्साइड की बतानी है, इन दोनों की बतानी है। तो धात्विक ऑक्साइड देखो, ये धातु ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड हो गया। अब इसको पानी में मिलाकर घूंट भर के आप देखोगे तो ये खट्टा है, तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? खट्टे। उसके बाद धातु ऑक्साइडों को देख लो, कोई भी धातु को ऑक्साइड बनाओ पहले और फिर
उसको चक्कर देखना पानी में डालकर, तो क्या होगा? जैसे धातु है मैग्नीशियम, प्लस में O2, ये हो जाएगा 2 Mg O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक राख बन गई, इसी को बोलते हैं धातु ऑक्साइड। इस राख को पानी में घोलकर अगर आप चखोगे तो ये कड़वी है, इसलिए धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षार की। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या है? क्षार की। और अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या है? अम्लीय। इन दोनों से सी मिलता है। ये इन्हीं प्रश्न आज टॉपिक के अंदर लिखना, इनको याद करना।